तृष्णा एक हिंदी ड्रामा है। ये कहानी राजस्थान के किसी छोटे से गांव में रहने वाली आम सी लड़की तृष्णा की है, एक माली जिसका काम बाग की देखभाल करना है। उसकी नीयत अगर गुलाब के प्रति खराब हो जाए तो फिर उसे तोड़ने से कौन बचाएगा, लेकिन गुलाब में भी कांटे होते हैं, किसी में इतने जंगली कि हाथ जख्मी कर दें। लेकिन इससे पहले कि हम तृष्णा की कहानी देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसी अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करके इंडिया वापस लौटा है, यहाँ उसे अपने पिता के होटल बिजनेस में हाथ बटाना होगा। जय ने बचपन से लेकर अब तक अपनी सारी पढ़ाई लिखाई ब्रिटेन में ही की है, इसलिए हिंदी में उसका हाथ तंग है। अपने ब्रिटिश और NRI दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमने के बाद जब वे एक हेरिटेज स्टाइल होटल में जाते हैं, यहाँ पारंपरिक राजस्थानी धुन पर होटल के स्टाफ्स को थिरकते देखते हैं। इन स्टाफ्स में एक तृष्णा भी है। जब डांस खत्म होता है, जय उससे बातें करता है। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि वो यहाँ टेम्पररी काम करती है। उम्र 19 साल है और स्कूलिंग के बाद आगे की पढ़ाई लिखाई नहीं की। होटल की शिफ्ट खत्म होने के बाद जब तृष्णा एक दूसरे स्टाफ के साथ घर लौट रही थी, जय और उसके दोस्त उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं। उन्होंने अपने ऑटो में उन दोनों को लिफ्ट दिया और उनके घरों तक छोड़ दिया। ये मुलाकात इतनी भर रहती तो सब कुछ ठीक रहता, पर जल्दी ही सामान्य गति से चल रही तृष्णा की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी लाइफ को एक अलग ही दिशा में ले जाएगी। तृष्णा का पिता सब्जियों के ट्रांसपोर्ट का काम करता है, उसकी अपनी एक पिकअप वैन है। सुबह घर से निकलता है तो शाम को ही लौटता है। आखिर पिकअप की EMI भी भरनी है, बैल की तरह रोज काम करना पड़ता है। एक सुबह जब वो पिकअप वैन में सब्जियां भरकर बाजार की तरफ जा रहा है, पीछे इन सब्जियों को संभालने का काम उसने अपनी बेटी तृष्णा को दिया है, अचानक से गाड़ी चलाते चलाते उसकी आंख लग जाती है और सिंगल लेन से दूसरी तरफ से आ रही एक ट्रक से भिड़ जाती है। घटना इतनी भयानक थी, लगा कि उसका पिता दोनों गाड़ियों के बीच कुचलकर मर गया होगा, पर किसी तरह जान बच गई। तृष्णा को भी काफी चोट आई थी, हाथ टूट गया है, बाप जख्मी हॉस्पिटल में पड़ा है। कब तक ठीक हो पाएगा, कब से काम पर जाएगा, गाड़ी के किस्त कैसे भरेगा, कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ दिनों बाद जब जैसी अपने दोस्तों को छोड़ने जयपुर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, रास्ते में उसे तृष्णा दिख गई। वो अपने घर के बाहर ही बैठी थी। उसने देखा कि तृष्णा के हाथ पर प्लास्टर लगा है। बात करने पर उसे पूरी घटना का अंदाजा हो गया। उसने अपना बड़ा दिल दिखाया और कहा कि जयपुर में उसके पिता का होटल है, अगर वो चाहे तो उसे काम पर लगा सकता है। लगता है जय को तृष्णा पसंद आ गई है, नहीं तो कोई भी किसी के लिए इतना कुछ क्यों करेगा। यहाँ तो हर कोई अपने फायदे से मतलब रखता है। जय के जाने के एक आध महीने बाद तृष्णा के नाम चिट्ठी आती है। इसमें लिखा है कि उसे जयपुर के एक होटल में काम दिया जा रहा है, वहां तक आने के भाड़े के तौर पर 500 रुपए भी दिए गए हैं। तृष्णा के लिए ये एक अनजान रास्ता है, एक अजनबी पर भरोसा करके वो उसके पास जा रही है, पर बेचारी क्या करती, उसे परिवार के खातिर काम तो करना होगा। पैसे का ऑफर भी ठीक ठाक था, इसलिए घर से निकल अनजान रास्ते पर चल पड़ी। बस स्टैंड पर जय उसे मोटरसाइकिल पर लेने आया, लगेज भी बस स्टैंड के काउंटर पर ही रखवा दिया, कहा कि बाद में उसका ड्राइवर इसे ले लेगा। काफी देर तक वो शहर से दूर ड्राइव करता जा रहा है, लेकिन तृष्णा को जय पर पूरा भरोसा है। एक अनजान आदमी के साथ अनजान रास्ते पर शहर से दूर कहीं जा रही है, पर उसने जय से इस बारे में एक सवाल तक नहीं किया। पर फाइनली जय एक अच्छा इंसान निकला, उसने उससे जो जो कहा था सब सच था। वो उसे अपने पिता के ओल्ड हेरिटेज स्टाइल होटल में ले आया। पुराने रजवाड़े मालूम पड़ते हैं, कभी ये उनके महल हुआ करते थे, अब डेमोक्रेसी की मार ने किलों को होटल में बदल दिया है। जब तक तृष्णा के हाथ का प्लास्टर नहीं खुला था, उसने उसे अपने पिता के चिड़ियों के केज की देखभाल में लगा दिया। धीरे धीरे तृष्णा का मन भी यहाँ पूरी तरह से लग गया। कुछ दिनों बाद जब प्लास्टर हटा तो फुल टाइम वेट्रेस बन गई, सारे काम जल्दी जल्दी सीखती गई। लेकिन जय की नजर हमेशा तृष्णा पर ही रहती है। तृष्णा को इम्प्रेस करने के लिए उसने उसके कमरे में एक TV भी लगवा दिया है। एक दिन जब जय का पिता ब्रिटेन से इंडिया आया, तब उसने अपने पिता को तृष्णा से भी मिलवाया। कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके चिड़ियों का ख्याल वही रखती है। जब जय होटल में नहीं था, उसका पिता तृष्णा को लेकर अपने चिड़ियों के पिंजरे के पास ले गया। कहता है कि उसका बेटा उसकी बड़ी तारीफ करता है, कहता है कि तृष्णा बहुत खूबसूरत है। जय के पिता की आंखें कमजोर हो चुकी हैं, इसलिए तृष्णा के चेहरे की बनावट को टटोल कर उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाता है।
फिर पूछता है कि क्या जय उसका ठीक से ख्याल रखता है। कृष्णा को उसकी बातें समझ में नहीं आती है, आखिर वो किस बारे में पूछ रहा है, आखिर जय को उसका ख्याल रखने की क्या जरूरत है, उसने तो उसे नौकरी दी है, इससे ज्यादा ख्याल क्या रखेगा। उसके पिता के जाने के बाद जय तृष्णा के ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है। आजकल उसके कमरे में खाना लाने का काम उसी का है, बहाने से उसे छूने की कोशिश करता है। जाहिर है कि जय तृष्णा को चाहता है। तृष्णा भी समझ जाती है कि जय उसे पसंद करता है, वो एक अच्छा आदमी मालूम पड़ता है, पर जय के साथ प्यार में पड़ना उसके लिए भी मुश्किलों भरा हो सकता है। सोशल स्टेटस भी कोई चीज होती है, ना जात मिलते हैं ना हैसियत, पर अगर प्यार हो दोनों में तो इन सब का कोई मतलब नहीं। फिर भी ना जाने कोई हिजक है। एक दिन जय कहता है कि उसे होटल मैनेजमेंट के कोर्स में भर्ती कराना चाहता है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो इसे ज्वाइन कर सकती है। लगता है तृष्णा की लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, किस्मत उस पर मेहरबान है। एक दिन वो जय से छुट्टी मांगती है, कहती है कि उसे अपनी एक फ्रेंड की शादी में जाना है, साथ में कुछ सहेलियां भी जा रही हैं। उस रात जब पार्टी में देर हो गई तो तृष्णा अकेले ही पार्टी से निकल जाती है, पर लौटते वक्त कुछ लफंगे उसके पीछे पड़ गए। लेकिन शुक्र है कि उसने निकलने से पहले जय को फोन कर दिया था, वो सही समय पर वहां पहुंच गया। जब वे लौट रहे थे किसी सुनसान जगह पर अचानक से जय ने मोटरसाइकिल रोक दी। आज पहली बार दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अब लगा कि ये सिलसिला आगे लंबा चलेगा, पर शायद ये सब कृष्णा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो रात भर रोती रही और अगले दिन अपना सारा सामान पैक करके जयपुर से वापस अपने गांव लौट आई। उसे किसी के लिए टाइम पास का जरिया नहीं बनना था। जब वो काम छोड़कर घर आ गई तो शुरू में उसके घर वाले उस पर बड़े नाराज हुए, इतना अच्छा काम उसने क्यों छोड़ दिया। बाप अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, किस्तें भरनी है, घर का खर्च चलाना है। अगले 3 महीने वो अपने पिता के घर में ही रही, यहाँ खेतों में काम करती है तो कभी अपनी माँ की मदद करती है, लेकिन अब उसे उल्टियाँ होने लगी है। शुरू में लगा कि मामूली सी बात होगी, पर कहती है कि उसे 3 महीनों से पीरियड नहीं हुआ है। उसके परिवार ने बदनामी के डर से उसका अबॉर्शन करवा दिया और दूसरे शहर में उसके मामा के पास भेज दिया। यहाँ उसके मामा ने उसकी नौकरी एक फैक्ट्री में लगवा दी, लेकिन जैसे ही उसे यहाँ भी ढूंढते हुए आ पहुँचा। पहले वो उसके पिता के घर गया था, उसे पता चला कि वो यहाँ एक फैक्ट्री में काम करती है। जय कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, आखिर तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ क्यों आ गई। मैंने तुम्हें बहुत फोन लगाया पर तुम्हारा फोन बंद था। तुम लोगों की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कहता है कि बम्बई जा रहा है, वहाँ फिल्म प्रोडक्शन का काम करेगा। जय उसे अपने साथ वहाँ ले जाना चाहता है। फाइनली तृष्णा को भी उस पर भरोसा होने लगा है, वो उसे मझधार में नहीं छोड़ेगा। हालांकि उसने अपने आभूषण के बारे में उसे कुछ नहीं कहा, शायद उसे छोड़ दिए जाने का डर हो। यहाँ बम्बई में एक अलग तरह की लाइफस्टाइल है, तड़क भड़क वाली जिंदगी है, जयपुर से एकदम अलग। जय के कई दोस्तों के साथ उसकी जान पहचान भी होती है, सभी फिल्म बिजनेस में है, कोई म्यूजिक डायरेक्टर है तो कोई फिल्मों की कहानी लिखता है, कोई एक्ट्रेस है तो कोई डांसर है। तृष्णा को भी डांसिंग का शौक था, इसलिए यहाँ उसने एक डांसिंग क्लास ज्वाइन कर ली। यहाँ रहते हुए जय और तृष्णा के बीच की सारी दूरियाँ खत्म होने लगी हैं। लगता है दोनों में बड़ा प्यार है, हर वक्त दोनों एक साथ रहते हैं, फिल्म के सेट से लेकर पार्टी में भी वे किसी कपल की तरह नजर आते हैं। जब लगता है कि सब कुछ सॉर्टेड है, एक दिन जय को ब्रिटेन से फोन आता है कि उसका पिता हॉस्पिटल में है, उसे हार्ट स्ट्रोक आया था, जय को अपने पिता के पास ब्रिटेन जाना होगा। उस शाम जय कहता है कि वो घर जाएगा तो अपने रिलेशन के बारे में परिवार से बात करेगा। तृष्णा को उसकी बात पर बड़ी हैरानी होती है, क्या पता उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, पर अब उसे जय पर पूरा भरोसा है। आज उसने अपने अबॉर्शन की बात भी उसे बतला दी। जब जय को पता चला कि उसने अबॉर्शन कराया था और उसे इस लायक भी नहीं समझा कि इस बारे में कुछ खबर करे, तब वो उससे इस बात पर बड़ा नाराज होता है। अगली सुबह जाते हुए भी वो उससे नाराज है। जाने से पहले जय ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि जल्दी लौटेगा, पर देखते देखते कई दिन निकल गए। अगले महीने एक लेडी उसके अपार्टमेंट में आती है, कहती है कि घर की लीज खत्म हो गई है, अगले हफ्ते नए किराएदार रहने आएंगे। मजबूरन उसे वहां से जाना पड़ा। आजकल वो अपनी डांस ग्रुप की फ्रेंड्स के साथ एक फ्लैट में रहती है। यहाँ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही रही थी कि एक दिन उसे जय का फोन आता है, कहता है कि वो वापस आ गया है। इतने दिन उसने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली, जैसे वो केवल उसे अपनी हवस मिटाने का जरिया समझता हो। राजस्थान में घूमते हुए वो उसे पसंद आ गई,
तो अपने होटल में नौकरी के बहाने उसे रिलेशन रखा। फिर जब बंबई आया तो उसे प्यार का झांसा देकर अपने साथ लेता आया। जब ब्रिटेन गया तो उसे जैसे भूल ही गया। क्या घर की लीज खत्म हो रही उसे पता नहीं था। जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी थी, कुछ महीनों बाद फिर से वापस आ गया। वो उसे मिलता है और माफी मांगता है कि उससे कोई संपर्क नहीं कर सका। कहता है कि तुमने भी तो इस बारे में कुछ नहीं कहा, एक फोन तो कर ही सकती थी। जय बतलाता है कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है, उसे वापस जयपुर जाकर फैमिली बिजनेस संभालना होगा। कहता है कि उसके लिए भी वापस लौटना कठिन होगा, पर उन्हें वापस राजस्थान लौटना ही होगा। पर वहाँ वो उसके साथ नहीं रह सकता है, लेकिन उसे अपने से दूर भी नहीं करेगा। अपने होटल में ही उसे एक नौकरी पर लगा देगा। जाहिर है कि जय उसे केवल घुमा रहा है। वो उसे शादीवादी नहीं करने वाला है और ना ही प्यार करता है। वो तो केवल उसके लिए टाइम पास का खूबसूरत जरिया है। यहाँ उसने तृष्णा को एक वेट्रेस बना दिया। हर दिन वो उसके साथ अपनी भूख शांत करता है, जो प्यार बंबई में उनके रिलेशन में था वो अब खत्म हो गया है। अब उसकी जगह केवल हवस ने ले ली है। जय कामसूत्र की किताबें पढ़ता है, कैसे उसके पूर्वज 16-16 पत्नियां रखते थे। बड़ी खुशहाली भरी जिंदगी थी। आजकल वो तृष्णा के प्रति रफ होता जा रहा है, अलग अलग प्रयोग करता है। जब ट्रेडिशनल कपड़ों में देख देख कर उसका मन भर गया तो उसने बंबई से उसके कपड़े मंगवा दिए। मॉडर्न कपड़ों में उसने उससे अपना पर्सनल लैप डांसर बना दिया। आखिर तृष्णा भी कितने दिन बर्दाश्त करती, लेकिन अगर वहां से भागेगी तो फिर उसे ढूंढते हुए पहुंच जाएगा। शायद पहली बार जब वो उसके होटल से भागी थी तभी उसे उसके असली चरित्र का अंदाजा हो गया था। एक दिन जय अपनी हवस शांत करने के बाद कमरे में लेटा था, तब तृष्णा ने किचन से एक बड़ा सा चाकू ले लिया और चुपके से जय के कमरे में चली आई। फिर धीरे से उसके ऊपर चढ़कर उसने उसके सीने में इसे धंसा दिया और तब तक कमरे से नहीं निकली जब तक कि उसने जय की जान नहीं ले ली। फिर चुपके से सारा सामान पैक किया और भागकर अपने पिता के पास वापस लौट आई। उसे लगा था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन तक अपने पिता के घर में रहने के बावजूद उसे ढूंढने कोई नहीं आया। अगले दिन वो अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल छोड़ने के बहाने घर से निकली और साथ में वही चाकू ले लिया जिससे कल उसने जय को मारा था। फिर दूर एक रेत के टीले पर चढ़ गई। काफी देर तक सोचती रही, फिर अचानक अपने पेट में ही इसे घोंप लिया। लगता है जय की आंखों में देखते हुए उसे मारने का गिल्ट अब खाए जा रहा है। शायद जीना मुश्किल हो गया हो। उसने खुद को मारकर सारी फसाद और पकड़े जाने का डर एक बार में ही खत्म कर दिया। परिवार भी उसके झंझट से बाहर हो गया। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।